नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ हुई बदसलूकी का मामला अब तक शांत नहीं हुआ। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने पत्र में सरकार बर्खास्तगी के साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। और जब भी बिहार में कोई बड़ी घटना घटती है तो लोग आशा करते हैं कि राज्य का मुखिया अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक इसके विपरीत हैं। सूबे में जब भी कोई हादसा होता है तो नीतीश कुमार हमेशा नदारद रहते हैं, ये कहना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बंगले में छिप जाने वाला डरपोक सीएम बताया है। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मधुबनी हत्याकांड से पीड़ित परिजनों से मुलाकात के लिए मधुबनी रवाना हो गए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने इस घटना को नरसंहार बताते हुए कहा कि वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आए हैं। साथ ही बीजेपी MLC नवल किशोर यादव पर विवादित बयान दिया है। तो बता दें, पटना पहुंच गए हैं राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, जो कि मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पटना से मधुबनी के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार सरकार पर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है और उन्होंने इस घटना को नरसंहार बताते हुए कहा कि वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आए हैं। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी MLC नवल किशोर यादव पर भी विवादित बयान दिया है। अब बिहार सरकार को तो बहुत छोटा सा ये कांड लग रहा है, बहुत छोटी सी घटना लग रही है, नरसंहार है, पीढ़ी खत्म हो गई है। एक परिवार की, रो भी फौजी की, एक रिटायर्ड फौजी जिसने तंबके लगाए अपने देश के लिए, काई को लगाए, क्यों माता खराब है, हमारा दिमाग खराब है हम लोगों का, जो हम लोग तुम्हारे लिए हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं और हमें खामियाजा हमारे परिवार को मिलता है, यहाँ पे पूरे घर को खत्म कर दिया गया है और कोई बोल। देवघर के मधुपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टी इस सीट को हासिल करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन से JMM प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज पहुंचे। इनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी शामिल हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव ने सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा भी किया है। दुमका में डरवाते थे, फिर्मा में डरवाते थे, और एक महोदय थे ने बोलते कि अबरी सरकार बन जाएगी, यहाँ जीतेंगे सरकार बनी, यहूँ कह रहे हैं, सुनते हैं कि हाँ बन जाएगी। ये लोगों को भरम में नहीं फैलाना चाहिए, भरम लोगों के बीच में नहीं फैलाना चाहिए। मैं ये कहूँ, डेमोक्रेसी है, अपनी बात कहिए, सरकार का क्रिटिसाइज कीजिए, आलोचना कीजिए, सरकार का आपका अधिकार बनता। झारखंड में कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर जल्द ही महेंद्र सिंह धोनी को बनाया जाएगा। इसको लेकर कृषि मंत्री की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को निमंत्रण भेजा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि शहर का बेटा कृषि पर जोर दे रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। उन योजनाओं को इस 15 अप्रैल तक उनका संलेख विभाग के द्वारा विभिन्न डायरेक्टर से, डायरेक्टरेट से मांग किया गया है। इस मंथ के एंड में प्राधिकृत जो समिति है उसमें भेजने का निर्देश दिया गया है और साथ ही अगले महीने कैबिनेट करा के राज्यादेश लेने का निर्णय लिया। और अब बात कोरोना की। राजधानी पटना में लगातार कोरोना का मामला बढ़ रहा है। बीते दिन पटना में कोरोना के कुल 743 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही पटना जिले में अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बढ़कर 207 हो गए हैं। जिले के 6 अनुमंडलों की बात करें तो सबसे ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पटना सदर में 118 है। तो कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना का ये सेकेंड वेव, दूसरी लहर लगातार कई लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और राजधानी की बात करें तो कुल 743 केस पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना में सामने आए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बढ़कर अब 207 हो गए हैं। ये कोरोना का एक नया रिकॉर्ड सामने आया है। लगातार सरकार भी
जनता से अपील कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, उचित दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और ये चिंता का विषय कि लगातार दिन ब दिन कोरोना के केसेस राजधानी सहित पूरे देश में बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जिले के अहियापुर थाना इलाके में पुलिस ने 9 अपराधियों को हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में सिटी ने बताया कि अपराधियों के साथ पुलिस ने एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील रजक के साथ गठित विशेष टीम ने इस छापेमारी को अंजाम दिया। दिनांक 7 तारीख को और 8 तारीख को दो ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराध कर्मियों की, जो कि सक्रिय लूट करने वाले अपराध कर्मी सब हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 तारीख को NH 57 पर राघोपुर जाने वाली सड़क पे सूचना मिली, अहियापुर थाना को सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी यहाँ पे लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पे थाना अध्यक्ष उपाधीक्षक नगर द्वारा एक रेड किया गया और रेड करके पकड़ा गया। वहाँ से 3 व्यक्ति